हे गाइस वेलकम बैक टू द डे थ्री ऑफ डीएसए प्रैक्टिस बाय श्रेयांश और आज तो इतना ऑफिस का काम था ना मेरा मेरा ऐसा लग रहा था आज डीएसए प्रैक्टिस छूट जाएगी छूट जाएगी आज बहुत काम है लेकिन फिर भी आज का प्रैक्टिस हो गई है मेरी तो आप भी अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आज का जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया दैट इज़ टॉप के फ्रिकुंट नंबर्स ठीक है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन समझने में सिंपल था लेकिन सॉल्यूशन इतना नहीं सो लेट्स सी दैट राइट सो so, यहाँ पे क्या है गिवन एन इंटीजर एरे इनपुट एरे गिवन है अपन को एंड एन इंटीजर एन ठीक है रिटर्न द एन मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर अपन को इनपुट इस तरीके से गिवन है ठीक है वन 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 टू टू थ्री और एन है टू तो मेरे को क्या रिटर्न करना है रिटर्न द टू मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स तो टू मोस्ट फ्रिकुंट एलिमेंट क्या है एक तो वन क्योंकि ये तीन बार रिपीट हो रहा है और एक है टू क्योंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है राइट सो फॉर एग्जाम्पल अगर होता फोर 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 थ्री थ्री नाइन थ्री कुछ भी ऐसा होता और होता रिटर्न द टू फ्रिक्वेंट एलिमेंट तो फोर कितनी बार रिपीट हो रहा है थ्री बार थ्री कितनी बार रिपीट हो रहा है थ्री बार नाइन वन बार तो टू मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट इज फोर एंड थ्री ठीक है क्वेश्चन बहुत सिंपल था समझने में नाउ लेट्स सी तो ये वाला सॉल्यूशन जो है इसका बिग गो ऑफ एन लॉग एन ये मैंने खुद से किया है और अगेन अभी फिर से पता नहीं तीनों क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ है कि जो इसका एफिशिएंट ये वाला एफिशिएंट है बिग गो ऑफ एन ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा बट लेट्स सी तो यहाँ पे मैंने जो एन लॉग एन से जो सॉल्व किया राइट ये किस तरीके से किया था तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैप क्रिएट कर लिया एक फ्रिक्वेंसी मैप ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस जैसे मेरे पास गिवन है वन कॉमा वन कॉमा वन टू कॉमा टू कॉमा थ्री तो यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी मैप कर लिया तो की मेरा जो था ये था नंबर लेट से वन कितनी बार रिपीट हुआ थ्री टाइम्स ये है मेरी फ्रीक्वेंसी टू कितनी बार रिपीट हुआ टू टाइम्स थ्री टाइम्स रिपीट टू टाइम्स रिपीट और थ्री कितनी बार रिपीट हुआ वन टाइम इसको करने के बाद यहां पे मैंने मिन प्रायरिटी क्यू बनाई है यहाँ पे मिन प्रायरिटी क्यू ठीक है मतलब मिन प्रायरटी क्यू मीन्स मिन हीप तो एक मिन हीप बनाई है मैंने अब मिन हीप में क्या किया है कि मैं यहाँ पे इटरेट कर रहा हूँ ठीक है इन इनकी सेट पे और मैं इसको मिन प्रायरटी क्यू में डाल रहा हूँ बेस्ड अपॉन दिस फ्रिक्वेंसी बेस्ड अपॉन दिस फ्रीकवेंसी तो अब यहाँ पे देखो कि मैंने क्या किया है यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक मिन प्रायोरिटी क्यू बनाई है ठीक है मिन प्राय मिन प्रायरिटी क्यू को मैंने डालने का कौन सा तरीका बताया है मैप का मैप का फ्रिक्वेंसी ठीक है मैप की फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे मैं इसको सॉर्टिंग करूँगा ठीक है और सबसे पहला काम मैंने क्या बनाया मैंने अपना फ्रिक्वेंसी मैप बनाया है तो यहाँ पर मैंने फ्रिक्वेंसी मैप बना लिया ये मेरा फ्रिक्वेंसी मैप है ठीक है की और नंबर ऑफ टाइम्स सिंपल है ये तो राइट फिर अब मैं यहाँ पे इस कीज़ पे ट्रेड कर रहा हूँ ये वाली कीज पे ट्रेड कर रहा हूँ वन टू थ्री ठीक है और मैं उनको प्राय क्यू में ऐड कर रहा हूँ प्राइटी क्यू में ऐड कर रहा हूँ बेस एंड प्राइटी क्यू का मेरा कंपेरेटिव लॉजिक मैंने क्या रखा है ये फ्रिक्वेंसी वाला ये फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे मैं इसको डालूंगा ठीक है और मिन क्यू है मतलब थ्री टॉप पे रहेगा फिर टू जाएगा फिर इसके थ्री जा, थ्री जाएगा राइट मतलब थ्री 2 1 ठीक है मतलब एट टॉप पे मेरा मिनिमम रहेगा और जब भी मेरी साइज मिन प्रायोरिटी क्योंकि साइज के से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मुझे रिटर्न क्या करना है रिटर्न द के मोस्ट फ्रीक्वेंट तो मान के चलो मिन प्रायोरिटी क्योंकि साइज 2 से ज्यादा हो जाती है मतलब अभी मान के चलो के uh, मेरे पास है n है 2 ठीक है तुम अगर 3 हो जाती है तो मैं ऊपर वाले को रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे मोस्ट फ्रिक्वेंट वाले रिटर्न करने मोस्ट तो फ्रीक्वेंट वाले हमेशा नीचे ही होंगे राइट ऊपर वाला तो सबसे मिनिमम होगा सो दैट्स वॉट आई एम डूइंग ठीक है और लास्ट में मैंने उसको बस आउटपुट uh, में डाल के रिटर्न कर दिया ठीक है तो ये वाला समझ आ गया था ये मैंने किया था एन लॉग एन से यूजिंग प्रायोरिटी क्यू और प्रायोरिटी क्यू का एटलीस्ट यही इंपॉर्टेंट है कंपेरिटर ठीक है अब ये जो था ये भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन था जो कि था ओ ऑफ एन के अंदर इसके अंदर क्या किया कि मेरे जैसे आउटपुट दे रखा वन कॉमर इनपुट दे वन कमर वन कमर वन टू कमर टू कमर थ्री ठीक है 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, तो व्हाट इज द वर्स्ट केस अ नंबर कैन रिपीट इट सेल्फ लेट से ये हो सकता है मैक्सिमम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है अगर एक एरे की लेंथ सिक्स है तो पॉसिबल है कि एक नंबर मैक्सिमम छः बार रिपीट हो सकता है करेक्ट तो यहां पे हमने क्या किया एक बकेट लिस्ट बनाई एक बकेट लिस्ट बनाई छः तक की ठीक है तो जीरो से स्टार्ट होता है इसलिए मैंने एक प्लस वन लिया है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये तो छ हो गए लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी पे कर रहा हूँ तो मुझे प्लस वन लिया ताकि ये छः तक की हो जाए साइज ठीक है अब मैंने क्या किया इसी एग्जाम्पल से समझते हैं जो है वन ठीक है पहले मैंने सबसे पहले मैप बनाया मैप वही सेम फ्रीक्वेंसी की और उसकी फ्रीक्वेंसी वन कितनी बार रिपीट हो रहा है थ्री टाइम्स टू कितनी बार हो रहा है टू टाइम्स और फिर ये थ्री कितना हो रहा है वन टाइम ठीक है ये टाइम्स है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है ठीक है फिर जैसे ही मैंने एटरेट किया एनी की सेट पर वन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है थ्री टाइम्स ठीक है तो ये थ्री थ्री पे जाके मैंने वन को स्टोर करा दिया ठीक है ये एरे लिस्ट है ठीक है अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल फोर होता वो भी थ्री टाइम्स रिपीट होता है तो अब आया नेक्स्ट टू टू कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है टू टाइम्स रिपीट हो रहा है तो मतलब टू टाइम्स ये काइंड kind ऑफ of, आप समझ लो फ्रिक्वेंसी है और फिर यहां ये की है ठीक है तो फ्रीकवेंसी में टू टाइम्स कौन है टू तो यहां पे इस एरे लिस्ट में मैंने डाल दिया टू फिर की जो थ्री है ये कितने टाइम्स रिपीट हो रही है वन तो वन में कौन रिपीट हो रहा है थ्री फिर फॉर एग्जाम्पल फोर फोर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है थ्री टाइम्स तो थ्री टाइम्स के अंदर फोर भी डाल दूंगा तो ये लिस्ट है मेरी राइट दिस इज माई एरे लिस्ट ठीक है ये इस तरीके से मैंने बकेट सॉर्टिंग कर दिया इसको बोलते हैं बकेट सॉर्ट तो यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी मैप बनाया ये वाला यहां पे आप देखो कि अब मैं फ्रीक्वेंसी मैप के की सेट पे इटरेट कर रहा हूं यूँ ठीक है अब मैं यहां पे इसको इस बकेट में डाल रहा हूं ठीक है बकेट की फ्रीक्वेंसी जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी आई है ठीक है कितने टाइम्स उतने बकेट के उस एरे में जाके मैंने नम को डाल दिया ठीक है और ये है मेरा बकेट एरे ठीक है ये होने के बाद क्या कर रहा हूं मैं रिजल्ट आउटपुट तैयार कर रहा हूं ठीक है अब मैं उल्टे से चलूंगा जहां पे भी नल नहीं है मतलब ये नल नहीं है तो यहां पे मैं एडअप करते जाऊंगा वन कामा फोर और मेरे को फॉर एग्जाम्पल के इक्व टू थ्री है मतलब मेरे को तीन मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट रिटर्न करना है तो अभी तक दो हुआ फिर मैं इधर वापस इधर आऊंगा अच्छा ये नल नहीं है तो यहाँ पे टू एड करूंगा इसकी साइज़ रिजल्ट की साइज थ्री के इक्वल हो गई मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ उल्टा चल रहा हूँ बकेट के जब तक जो भी नल नहीं है तो मैं इटरेट करके आउटपुट के उसमें डाल रहा हूँ जैसे ही मेरा आउटपुट का एरे इक्वल हो गया थ्री के ठीक है और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा आउटपुट को ठीक है समझ आ गया कई तो ये था ऑफ एन के अंदर बकेट शॉर्ट राइट और जो मैंने किया प्रायोरिटी क्यू लेकिन अच्छा है मैंने प्रायोरिटी क्यू से किया थोड़ा क्लैरिफाई हो गया मैं भूल गया था प्रायोरिटी क्यू भी कि ये कंपैरेटर कैसे लिखते हैं तो लेकिन थोड़ा सा वर्क करने के बाद मेरे को पता चल गया कि आ, इस तरीके से हो जाएगा राइट right? और आप भी आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा गाइज आई होप कि ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा आपको अप्रोच में अगर आपके पास कोई अच्छा अप्रोच है इससे भी सो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट गाइज ओके गाइज बाय